वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। अपना जो है कि चैप्टर नंबर सेकंड सरल रेखा में गति चल रहा था, उसका आज का अपना पांचवा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अवमंदन से संबंधित या रिटार्डेशन से संबंधित अपने पास में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अपने पास में आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि एक स्थिर लक्ष्य में जब एक गोली को दागते हैं, एक स्थिर लक्ष्य अपने पास में है उसमें किसी गोली को दागते हैं, तो यह 3 सेमी की दूरी भेदने में आधा वेग खो देती है। यदि इसकी गति में नियत प्रतिरोध हो तो विराम में आने से पूर्व अक्ष दूरी तय करती है। तो अपने को अक्ष का मान याद करना सही है। जैसे अपने पास में क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अपने पास में ये कोई लक्ष्य है, इस लक्ष्य में क्या करता है, कोई गोली यहाँ से आ रही है, इस गोली को इस लक्ष्य में भेजा जाता है, तो यह गोली है इस लक्ष्य में 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है और ये गोली यहाँ पहुँच जाती है। सही है। यहाँ इसका वेग v है या इसका वेग प्रारंभिक वेग जो है कि u है और यहाँ आने पर ये क्या करती है, अपना आधा वेग खो देती है, यानी कि इसका वेग कितना हो जाता है, u by 2 हो जाता है। सही है। तो ये बोल रही है कि यदि इसकी गति नियत प्रतिरोध हो, गति में नियत प्रतिरोध हो तो विराम में आने से पूर्व वह अक्ष दूरी तय करती है। जैसे यहाँ से इसका वेग आधा हो गया और ये गोली आगे गति करती हुई यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पहुँच गई ये गोली, और यहाँ इस गोली का वेग क्या हो गया, ये विराम में आ गया, यानी कि इसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो अपने को ये बताना है कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी तय करेगी अक्ष, उस अक्ष दूरी जो तय करेगी उस अक्ष का मान अपने को ज्ञात करना, यानी कि विराम अवस्था में आने से पूर्व अक्ष दूरी तय करती है। तो अपने को ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक ये जो गोली चली उसकी दूरी अपने को ज्ञात करनी, मतलब यहाँ से यहाँ तक अपने को डिस्टेंस अक्ष ज्ञात करेंगे। सही है। तो इसके लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला अपने पास में होगा v² = (μ²) + 2as। ये अपने पास में गति का समीकरण होता है, लेकिन यहाँ अवमंदन की बात की गई है तो अवमंदन के लिए यहाँ साइन किसका होगा, नेगेटिव का होगा, यहाँ पे साइन किसका होगा, माइनस का होगा, यानी एक इसमें होगा माइनस में होगा, तो ये चिन्ह किसका होगा, यहाँ माइनस का होगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक सोल्व करते हैं, जो पहले अपने पास केस दिया गया उसके बाद करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अपने पास में प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग अपने पास में है न्यू। सही है। तो यहाँ न्यू का स्क्वायर और अंतिम वेग अपने पास में यह है कितना है, (μ/2) तो यहाँ पे क्या होगा, (μ/2) का स्क्वायर। सही है। ये बराबर ये -2a अपने पास में ज्ञात करना है और s अपने पास में इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। तो अपने पास में s का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ से अपने पास में a ज्ञात हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में इसका स्क्वायर क्या होगा, ये होगा (μ²/4). ये अपने पास में इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा (μ²) बराबर, ये अपने पास में कितना होगा, -6a। तो यहाँ से कितना होगा, LCM 4 आएगा, तो यहाँ से होगा (μ²) - 4μ²) बराबर 6a। ये होगा -3μ²/4 = 6a। ये 3 से 2 टाइम कटेगा, ये -6 - 6, माइनस से माइनस कटेगा, ये 2 से 3 टाइम कटेगा, तो यहाँ से बचेगा (μ²/4 = 2a। तो a बराबर कितना होगा, (μ²/8). ये का वैल्यू आ जाएगा। सही है। तो अपने यहाँ से यहाँ तक इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। अब अपने को ये जो दूरी अक्ष वो ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी वो अपने को ज्ञात करना है। तो यानी कि अपने को इसके लिए s का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंडीशन में अपने पास में जो ये फॉर्मूला काम आएगा, (v²) = (μ²) - 2as। तो यानी इसका प्रारंभिक वेग कितना है, यहाँ पे v/2, यह है (μ/2), इसका स्क्वायर। अंतिम वेग यहाँ पर आकर ये गोली रुक जाएगी, तो अंतिम वेग क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, माइनस का 2, एक का वैल्यू ये रहा कितना है, (μ²/8) और s, यानी कि s अपने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी s या अपने पास में अक्स वो अपने को ज्ञात करनी है, इसको मान लेते हैं अक्स। तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, 0 बराबर, ये होगा (μ²/4) माइनस, ये 2 से कटेगा 4 बार, तो ये होगा (μ²/4 अक्स). तो ये इस तरफ जाएगा तो इससे ये कटेगा, तो अक्स बराबर कितना होगा, (x = 1) होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी ये तय करेगा। यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितनी सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, 1 सेंटीमीटर बाद ये अपनी क्या हो जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगा। ठीक है।
तो अपने को ये पूछा है कि विराम अवस्था में आने से पूर्व एक्स दूरी तय करता है, तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। वैसे अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है कि एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील है, यानी किसी पिंड का प्रारंभिक वेग जो है वो न्यू बराबर हो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, सही है। इसका मंदन, मंदन बोले तो त्वरण ए, ए बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। त्वरण किस में होगा, माइनस में होगा। तो कितने समय पश्चात कण विराम अवस्था में आ जाएगा, विराम अवस्था में आने के लिए क्या होगा, वी का अंतिम वेग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समय अपने को ज्ञात करना है तो अपने पास में फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू न्यू प्लस 80 होता है गति का समीकरण। न्यू का मान, वी का मान अपने पास में 0 है, इक्वल टू न्यू अपने पास में कितना है, 10 है, ये अपने पास में पहला हो जाएगा इसका, इसका मान 10 है, प्लस ए, ए का मान अपने पास कितना है, माइनस का 2 है, और टी अपने को ज्ञात करना है। सही समय पूछे तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, ये 0 बराबर ये 10 ये माइनस का 2t, तो 2 इस तरफ जाएगा, तो t कितना होगा, यहाँ से t बराबर अपने पास यहाँ कितना होगा, यहाँ से अपने पास में t बराबर 5 सेकंड होगा, t बराबर कितना होगा, 5 सेकंड होगा, ये 2 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो t बराबर कितना होगा, 10 सेकंड होगा, यानी कि 10 सेकंड के पश्चात एक कण क्या होगा, विराम अवस्था में आ जाएगा, सही है। सेकंड, सेकंड अपने पास में क्या है कि थर्ड सेकंड में पिंड द्वारा तय दूरी, यानी कि n इक्वल टू 3 में पिंड द्वारा तय दूरी याद करनी है, तो अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला अपने पास में होता है एस एन इक्वल टू, ये अपने पास में क्या होगा, न्यू प्लस ये अपने पास में ए बाई टू टू एन माइनस वन, एन का वैल्यू कितना है, 3 है, एन बराबर कितना है, यहाँ पे अपने को 3 दे रखा है। तीसरे सेकंड में कण द्वारा तय दूरी यानी कि एस थ्री का वैल्यू अपने को ज्ञात करना है, तो एस थ्री बराबर अपने पास में न्यू क्या है, प्रारंभिक वेग वो अपने को 10 दे रखा है, प्लस ए अपने पास में कितना है, त्वरण वो माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 अपॉन में अपने पास कितना है 2, 2n माइनस 1, एन का वैल्यू कितना है 3, 3 को याद रखेंगे, 3 दूनी 6 माइनस ए कितना होगा 5, तो ये कितना होगा 5, तो ये 2 से 2 कटेगा, माइनस का 1 5 से गुणा होगा तो माइनस का 5 बचेगा, तो एस थ्री कितना होगा, एस थ्री होगा ये प्लस का 10 और ये माइनस का 5, तो यानी कि एस थ्री कितना होगा, एस थ्री होगा 5, यानी कि थर्ड सेकंड में पिंड द्वारा तय दूरी कितनी होगी, 5 मीटर होगी, तो एस थ्री का वैल्यू अपने पास में कितना होगा, 5 होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों प्रॉब्लम है इनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे आगे अपने पास में प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसमें अपने को दिया गया है कि कोई एक कण है एक्स दिशा में नियत त्वरण से गति कर रहा है, यदि एक्स बराबर 5 सेकंड पर इसकी चाल 10 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड पश्चात इसकी जो चाल है 2 सेकंड पश्चात यह एक्स बराबर 65 पर पहुंच जाता है, तो त्वरण अपने को ज्ञात करना, सही है। तो इसको सोल्व करने का तरीका है, पहले जो पहली कंडीशन है उसको यूज करते हैं, फिर सेकंड कंडीशन को यूज करते हैं, और त्वरण क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होगा, इसमें दिया गया है कि एक कण एक्स दिशा में नियत त्वरण से गतिशील है, यदि एक्स बराबर 5 पर, कहाँ पर, ये x x को लाइन है, तो यहाँ पर x बराबर 5 पर इसकी चाल कितनी है, चाल बोले तो प्रारंभिक वेग वह है 10 मीटर पर सेकंड, सही है, और x बराबर 2 सेकंड पश्चात, x बराबर 65 पर 2 सेकंड पश्चात समय कितना है, 2 सेकंड पश्चात यह x बराबर कहाँ पहुँच गया, 65 पर पहुँच गया, तो इसके लिए त्वरण ज्ञात करना, सही है। तो अपने पास में फॉर्मूला अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में होगा एस इज इक्वल टू न्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से अपने पास में एस अपने पास में क्या हो गया, चली गई दूरी या विस्थापन, तो ये एक्स बराबर 5 से कहाँ पहुँच गया, एक्स बराबर 65 पर पहुँच गया, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, 65 माइनस 5 कितना 60 पहुँच गया, विस्थापन कितना हो गया, दूरी इसकी कितनी होगी, 60 होगी, तो एस का मान तो कितना हो गया, 60 हो गया। न्यू क्या हो गया, इसका प्रारंभिक वेग ये कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, इनटू समय, समय कितना है इसके पास में, 2 सेकंड से चल रहा है, तो 2 सेकंड प्लस 1/2 ए अपने को ज्ञात करना है, इनटू टी समय कितना है, 2 सेकंड, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, सही है। तो यहाँ से कितना होगा, 60 बराबर, इसको 2 से गुणा करो तो 20 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, 2 ए, तो यहाँ से 20 इस तरफ जाएगा तो
60 माइनस 20 बराबर 2a, तो यहाँ से 2a बराबर कितना होगा 40, तो a बराबर कितना होगा यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या होगा त्वरण होगा, सही है। आगे अपने पास में प्रॉब्लम नंबर 4 है, इसमें अपने को दिया गया है कि समय t और विस्थापन x में निम्न संबंध है, अल्फा और बीटा स्थिरांक है, तो अपने को अवमंदन ज्ञात करना है यानी कि a का मान ज्ञात करना है। तो अपने को दिया गया है सॉल्यूशन, अपने पास में क्या होगा, इसमें अपने को दिया गया है टी बराबर एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये अपने को दिया गया है। अल्फा और बीटा नियतांक है, अवमंदन ए का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ से अवमंदन जो ए होता है वो अपने पास में क्या होता है, वो होता है वी डी वी अपोन डी एक्स, ये अपने को ज्ञात करना है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में टी अपने को दिया गया है, तो जो अपने पास में डी टी टी का एक्स के साथ अवकलन करते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, ये अपने पास में क्या होगा, यहाँ से ये अपने पास में होगा टू एल्फा एक्स प्लस बीटा होगा अपने पास में, और अपने पास में जो डी एक्स अपॉन डी टी है ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा वन अपॉन टू एल्फा एक्स प्लस बीटा, सही है। और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, ये अपने पास में होता है वेग में परिवर्तन, वी का वैल्यू होता है, तो वी बराबर कितना हो गया वन अपॉन टू एल्फा एक्स प्लस बीटा, तो यहाँ से वी का वैल्यू अपने पास में ये हो गया। डी वी अपॉन डी एक्स अपने को चाहिए, यानी कि इस वी का एक्स के साथ अवकलन कर दें, तो डी वी अपॉन डी एक्स ये अपने पास में कितना होगा, यहाँ से वन अपॉन एक्स का माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर टू एल्फा एक्स प्लस बीटा इसका स्क्वायर, अंदर वाले टर्म का एक्स इसके साथ में है तो इसका कितना होगा, इसका होगा टू एल्फा, ये अपने पास में हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, वैल्यू उठाएगा इसमें रखते हैं तो ए बराबर अपने पास में कितना होगा वी, तो ये अपने पास में वी डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू ये रहा, ये कितना है माइनस का टू एल्फा अपॉन में टू एल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, ये है अपने पास में, तो यहाँ से क्या होगा अपने पास में, ये माइनस का टू एल्फा और ये वी, सही है, अपॉन में यहाँ से देखना ये अपने पास में, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये वन अपॉन टू एल्फा एक्स प्लस बीटा, वन अपॉन टू एल्फा एक्स प्लस बीटा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, वी के स्क्वायर के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर वी के स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा वी का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का टू एल्फा वी क्यूब, ए बराबर क्या होगा माइनस का टू एल्फा वी क्यूब, ये इसके लिए क्या हो जाएगा अवमंदन हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो दोनों प्रॉब्लम है इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें अपने को दिया गया है कि किसी कण का विस्थापन x और समय t पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x इक्वल टू अपने पास में ये दिया गया है, इसमें a b अल्फा और बीटा क्या है नियतांक है, तो कण का वेग, कण के वेग में और समय में ग्राफ बताना है कि क्या होगा, सही है। तो अपने के पास सॉल्यूशन क्या होगा, अपने को दिया गया है x इक्वल टू a e की पावर माइनस अल्फा t प्लस b e की पावर बीटा t, ये अपने पास में क्वेश्चन में दिया गया है, सही है। इसमें अपने को ज्ञात करना है वेग, ज्ञात करना है वेग, ज्ञात करते हैं तो वेग अपने पास में क्या होता है, वेग अपने पास में जो v होता है वो अपने पास में होता है डी एक्स अपॉन डी टी, इस स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन वेग कहलाता है, तो इसका t के साथ अवकलन करते हैं, तो a अपने पास में कॉन्स्टेंट है, ई एक्स का अपने पास में क्या होगा ई एक्स, ऊपर एल्फा t का अपने पास में क्या होगा माइनस का एल्फा प्लस, v अपने पास में कॉन्स्टेंट है, ई एक्स का अपने पास में ई एक्स होगा और b और t का अपने पास में क्या होगा b होगा, ये अपने पास में क्या होगा वी का वैल्यू होगा। अब अपने को वी और टी में संबंध बताना है, सही है। तो वी और टी में जो ग्राफ होता है वो किसको दिखाता है, वेग समय ग्राफ त्वरण को दिखाता है, सही है। तो इसके लिए अपने पास में त्वरण क्या होगा, त्वरण ए बराबर अपने पास में क्या होगा, वो अपने पास में होता है डी वी अपॉन डी टी, वेग में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है त्वरण कहलाता है, तो ये अपने पास में वी का वैल्यू ये है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, तो अपने पास में एक वैल्यू आ जाएगा, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा ए ई की पावर माइनस अल्फा टी, और इस माइनस का अल्फा आ जाएगा तो माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर बी ई की पावर बीटा टी, सही है। ये बनेगा अपने पास में, यहाँ से बीटा बाहर आएगा तो बीटा स्क्वायर, अल्फा बाहर आएगा तो अल्फा स्क्वायर, माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसका डेरिवेशन क्या डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वी का डेरिवेटिव भी हो जाएगा, सही है, टी के साथ।
तो यानी कि जो ए का वैल्यू अपने पास में आ रहा है, ए का वैल्यू अपने पास में ये आ रहा है, और ये वैल्यू किस में है? पॉजिटिव है, धनात्मक है। यानी कि ए अपने पास में क्या है, ए बराबर अपने पास में क्या है, पॉजिटिव है। ए का मान धनात्मक है, और वी और टी के मध्य अगर आप त्वरण को दिखाते हैं, अगर त्वरण धनात्मक है तो जो वी का मान है, वेग का मान है, वो क्या होगा? समय के साथ बढ़ेगा। तो वेग वी समय के साथ बढ़ता है, क्योंकि अपने पास में ए धनात्मक है, और वेग समय अगर आप किसको दिखाता है, टी को दिखाता है, अगर ए त्वरण बढ़ रहा है तो वी भी क्या हो रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। ठीक है, वैसे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 कि 40 किलोमीटर की चाल से गति करती हुई एक कार को ब्रेक लगाकर कम से कम 2 मीटर की दूरी पर रोका जाता है। यदि वही कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रही हो तो उसे न्यूनतम, तो वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जहां उसको रोका जा सके? सही है, तो यानी कि अपने पास सॉल्यूशन क्या होगा, कोई कार चल रही है उसका वेग क्या है, प्रारंभिक वेग न्यू वन मान लेते हैं, न्यू वन बराबर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, उस कार को ब्रेक लगाकर रोका जाता है तो अंतिम वेग क्या हो गया, अंतिम वेग वी वन, ये कितना हो गया, 0। सही है, तो वह कितनी दूरी पर जाकर रुकती है, 2 मीटर की दूरी पर जाकर रुकती है, यानी कि विस्थापन एस, यह दूरी कितनी होगी, 2 मीटर। ये अपने पास में पहली कंडीशन दी गई है। यदि ये वही कार यानी कि वी टू, ये अपने पास में प्रारंभिक वेग मान लेते हैं यू टू बराबर अपने पास में 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और अंतिम वेग वी टू वो अपने पास में 0 हो, तो अपने को एस का वैल्यू याद करना है कि यही चाल अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार को रोक कितनी दूरी पर जाकर कार रुकेगी। सही है, तो अपने पास में फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू न्यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। ये अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है वी स्क्वायर। अवमंदन के लिए अपने पास में यहाँ ए का वैल्यू किस में होगा, माइनस में होगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू न्यू स्क्वायर माइनस का 2 ए एस। यहाँ पर अपने पास में प्रारंभिक वेग कितना है, न्यू वन है, प्रारंभिक वेग यू है, अंतिम वेग अपने पास में 0 है, ये माइनस का अपने पास में क्या है, 2 ए एस है, तो यहाँ से अपने पास में यू बराबर क्या होगा, 2 ए एस होगा। सही है, तो यानी कि अपने पास में ये न्यू स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2 ए एस होगा, न्यू स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2 ए एस होगा, तो यहाँ से अपने पास में जो न्यू स्क्वायर है वो समानुपाती किसके होगा, एस के होगा। रिजल्ट अपने पास में ये आएगा, इस समीकरण से अपने पास में रिजल्ट ये आएगा कि अपने पास अंतिम वेग 0 है तो 0, यहाँ से न्यू स्क्वायर बराबर 2 ए एस, यानी कि जो न्यू स्क्वायर है वो एस के क्या है, समानुपाती है। न्यू स्क्वायर किसके समानुपाती है, एस के समानुपाती है, तो अपने पास में क्या होगा, जो है कि न्यू वन अपॉन न्यू टू इसका स्क्वायर, ये अपने पास में बराबर किसके होगा, एस वन अपॉन एस टू के बराबर होगा। सही है, अपने को न्यू वन दिया गया है, न्यू टू दिया गया है, एस वन दिया गया है, एस टू याद करना है। सही है, तो न्यू वन का वैल्यू कितना है, 40, तो 40, न्यू टू का वैल्यू कितना है, 80, तो ये 80, इसका क्या है, स्क्वायर बराबर एस वन का वैल्यू कितना है, एस वन, इसको एस वन मान लेते हैं, इसको एस टू मान लेते हैं, एस वन का वैल्यू कितना है, 2, और एस टू अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, 1/2, इसका स्क्वायर कितना होगा, 1/4, ये होगा 1/4 बराबर, ये अपने पास में 2 और ये एस टू, तो यहाँ से ये दुर्गुणा होगा, ये दुर्गुणा होगा, तो एस टू बराबर कितना होगा, 4 × 2 = 8, 8 मीटर। यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर ये गाड़ी चल रही है तो वह न्यूनतम 8 मीटर की दूरी पर जाकर क्या होगी, रुकेगी। सही है, तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, जो प्रारंभिक वेग का स्क्वायर होता है वो उसके द्वारा विस्थापित दूरी है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले का या इस मेथड का यूज करके यहाँ से एस टू याद कर सकते हैं, एस टू कितना होगा, 80 मीटर, 8 मीटर होगा। इस प्रकार हम इन दोनों क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।